anchal style. हेलो फ्रेंड्स, ये जो रील आपने देखा ये रील बहुत अभी ट्रेंड कर रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि ये रील कैसे बनेगी और आप आसानी से बना सको इस रील को। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से आप आ जाओ पहले और इसे कॉपी कर लो इस रील को, और इसको आप डाउनलोड कर लो। आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाओ, वहाँ पे आईग्राम करके एक वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे अपना लिंक डालो जो डाउनलोड करना चाहते हो, और लिंक डालने के बाद वहाँ से आप डाउनलोड वाले पे क्लिक करोगे, आसानी से आपका जो है ये देखो ये नीचे खुल के आ जाएगा, और यहाँ आप डाउनलोड MP3 पे करके आप आसानी से इसे डाउनलोड कर लो पहले। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। उसके बाद आपको आ जाना है VN ऐप में। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको 7 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी जो, और आपको आ जाना है VN ऐप में। यहाँ से आपको 7 क्लिक करना होगा, 7th फ़ोटो की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। जैसे देख लो ये 7th फ़ोटो मैंने डाल के रखी है। यहाँ से आपको करना क्या है कि आपको ऊपर जो ओरिजिनल दिख रहा है वहाँ पे टिकटॉक वाले पे 9.16 वाले पे क्लिक कर लेना, क्योंकि हमें रील बनाना है। ये पीछे वाले को आप आसानी से डिलीट कर देना, फिर आप जो है 7 लगा लेना, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करना तो जब आपकी फ़ोटो लग जाएगी तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके म्यूजिक में आना है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट म्यूजिक में करना है, और जो वीडियो आपने डाउनलोड किया है उसे डाउनलोड में आके ढूंढ लेना। यहाँ से ढूंढने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट ओके कर देना है, ऊपर वाला आ जाएगा आपको चूज़ कर लेना है, और नीचे प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करके आसानी से म्यूजिक को आपको ऐड कर लेना है। तो ये देखो ऐड हो गई म्यूजिक। अब इसके बाद इसमें टाइमिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो कि टाइमिंग के हिसाब से आपको इसे सेट करना होगा। तो इसके लिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कितने टाइम पे आपको सेट करना है। आप आसानी से सेट कर पाओगे, कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देख लो इसे आप पहले वाले फ़ोटो को आप 0.80 सेकंड पे आपको सेट करना है। तो आप देख लो इस फ़ोटो को पहले आप 0.80 पे सेट कर लो, और फिर उसके बाद आप सेकंड वाले फ़ोटो पे आ जाओ, और फिर इसे भी आपको मैं बता दूँ करना क्या है। तो इसे भी आपको 0.80 सेकंड पे सेट कर लेना है। तो ये आपका 0.80 पे सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर तीसरे फ़ोटो पे आना होगा, तो ये 0.80 पे आप सेट करो इसे पहले आसानी से। उसके बाद मैं बताता हूँ तीसरे फ़ोटो को 1.40 पे सेट करो, और उसके बाद आपका आएगा चौथा फ़ोटो। चौथे फ़ोटो को आपको करना है फिर से सेट कर लेना है 0.80 पे सेट करना है। ठीक है दोस्तों, चौथे फ़ोटो को भी आप 0.80 और पांचवे फ़ोटो को भी आपको 0.80 पे ही सेट करना है। तो आप आसानी से पहले सेट कर लेना उसे। ये अपना 3 फ़ोटो हो चुका है। अब इस चौथे फ़ोटो को हमें सेट करना है 0.80 पे, तो हम आसानी से उसे भी कर लेंगे। और चौथे फ़ोटो को 0.80 पे सेट करने के बाद फिर आपको जो है पांचवे फ़ोटो, जो आपकी पांचवी फ़ोटो होगी, उसे भी आपको 0.80 पे सेम पे आपको सेट कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप 5 फ़ोटो सेट कर लेना। उसके बाद छठा फ़ोटो जो है जो आपको दिख रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसको कितने पे सेट कर। आपका छठा फ़ोटो होगा उसे 1.60 पे आपको सेट करना है। जो छठा फ़ोटो आपका दिखाई दे रहा है इसे आपको 1.60 पे करना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप आसानी से कर लेना। उससे लास्ट वाली फ़ोटो है, इसको आपके ऑडियो के रिगार्डिंग रखनी होगी, तो इसको आप 2 पे कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हो 2 पे करने के बाद आपकी फ़ोटो ऐसी बन के तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको इसके बाद आ जाना है यहाँ पे एफ़ एक्स में आने के बाद आपको फ्लैश वाले पे करके ऑल पे कर देना है, तो ये आपका ऐसे दिखने लगेगा। उसके बाद आपको छठा फ़ोटो जो दिखाई देगा, छठा फ़ोटो पे मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। छठा फ़ोटो पे आ जाना है, फिर आपको आना है एफ़ एक्स में आने के बाद आपको ब्लैक इधर सबसे पहले दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। यहाँ पे जब आप ओके कर दोगे तो यहाँ से आप देख लो, अब आप बजा के दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखेगी ये अपनी वीडियो। तो ये देख लो ये अपनी वीडियो ऐसे बन के तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हो। अब ऊपर एक्सपर्ट वाले पे क्लिक करना, यहाँ पे एक्सपर्ट ओरिजिनल, और वहाँ से आप नीचे से कर सकते हो, मैं करके भी दिखा देता हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, कमेंट करके जाना, ताकि मैं आपके लिए हमेशा नया वीडियो लाता रहूँ, मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।